बिहार के बक्सर में किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से झड़प ने हिंसक रूप ले लिया और इस दौरान गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मुआवजे की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने किसानों के घर में घुसकर उन पर लाठियां बरसा दी। आधी रात को पुलिस ने बनारपुर गांव में किसानों के घरों में घुसकर मारपीट की, जिससे नाराज किसान तोड़फोड़ और आगजनी पर उतर आए। साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने उपद्रवियों को रोकने के लिए कई राउंड फायरिंग की है। यहाँ किसान अपनी जमीन के उचित मुआवजे को लेकर 80 दिनों से ज्यादा वक्त से लगातार धरना दे रहे थे। SJVN कंपनी पाइपलाइन के लिए जबरन भूमि का अधिग्रहण कर रही है, जिसके विरोध में किसान ने SJVN के गेट पर भी धरना दिया। किसानों के धरना देने से SJVN का कामकाज रुक गया। इसी कड़ी में सोमवार को कंपनी ने पुलिस प्रशासन के साथ जबरन भूमि अधिग्रहण करने की कोशिश की, जिसका विरोध करते हुए किसानों ने काम रुकवा दिया। किसानों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के बदले उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने जब निर्माणाधीन बिजली घर के मेन गेट पर ताला जड़ दिया, तब तो प्रशासन ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन रात होते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल प्रभावित गांव में पहुंच गया और कई किसानों के घर में घुसकर पुलिस ने बेरहमी से मारपीट की। इससे पहले मंगलवार को पुलिस ने किसानों को धरने की जगह से बलपूर्वक हटा दिया था और वहां निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था। इन सारी बातों को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश हो गया। ये सडनली लोग एग्रेसिव हो गए हैं, काफ़ी संख्या में लोग टूट गए हैं यहाँ पे और प्लांट में भी तोड़फोड़ किया है, सड़कों पे भी तोड़फोड़ कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हाँ ठीक है, जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा। सर वज्रवाहन को भी फूंक दिया गया, पता चल रहा है कुछ राउंड गोलियाँ भी चलाई गई है, क्या इसमें सर? इतनी जानकारी नहीं है, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जल्दी हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो ये परिस्थितियाँ कितने दिनों कंट्रोल हो जानी चाहिए? हम लोग शीघ्र कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि मुआवजे को लेकर क्या मामला है, इसको सही तरीके से देखा जाएगा। और दूसरा है कि बक्सर क्या पड़ेगा कि क्या है, एक्चुअली हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला, और संज्ञान में लेकर मामला हुआ है, हमें वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है, एक्चुअल पोजीशन क्या है। बिहार में पुलिस का आक्रामक चेहरा पिछले दिनों कई बार सामने आया, एक बार फिर से हालात बिगड़े हैं और सवाल उठ रहे हैं। जनता को इंतजार है तो बस न्याय का।